describe abstract window toolkit. AWT is actually stands for abstract window toolkit. What is the work of abstract window toolkit? It is used to create a user interface. Okay, user interface in the Java application. It defines the terms like container, component, and layout manager, and describe how they work together to build a GUI application. A GUI application banane ke liye ye use kiya jata hai. Use the frame panel container appropriately. They add the component to a container. It use various layout manager to achieve the desired dynamic layout. Okay, yahan par bahut sara layout manager yahan par present. समझ में आया. AWT इज ए पैकेज विच इज यूज टू फॉर डिजाइनिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन इन जावा. इट डिफाइन द टर्म कंटेनर कंपोनेंट एंड लेआउट मैनेजर. इट यूज द फ्रेम एंड पैनल कंटेनर. इट ऐड द कंपोनेंट टू ए कंटेनर. इट यूज द वेरियस लेआउट मैनेजर यहाँ पर यूज किया. राइट कंपोनेंट AWT provide a GUI component that are used in Java applets and application. Applet जैसे हम पढ़े थे, applet is a application which is written in Java, but for running the application we require a browser. ये web-based का तरह है, लेकिन it is not completely website. It contains the class that can be composed or extended. यहाँ पर कुछ classes ऐसा है, जो दूसरा class से बनाया गया है और extended हुआ है. Ensure that every GUI component that is display on the screen is a subclass of component or a menu component. Like जैसे कि आपका बटन हो गया और आपका जो टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये सब किसके अंदर आता है? कंपोनेंट और मेनू कंपोनेंट के अंदर आता है. It has a container which is abstract subclass of component and include two subclass. So it contains the two subclass. One is kernel and another is window. Okay. थर्ड और फोर्थ पॉइंट ना, दोनों लिख रहे हैं थर्ड और फोर्थ. द टू मेन टाइप ऑफ कंटेनर वी आर यूजिंग वन इज विंडो, अनदर इज पैनल. विंडो इज ए फ्री फ्लोटिंग विंडो ऑन द डिस्प्ले. मतलब ये जो स्क्रीन में जो चीज आपको दिखा रहा है ये विंडो है. पैनल क्या है ना, यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर एक पैनल है, यहाँ पर नीचे एक रेड कलर एक पैनल है. तो पैनल क्या करता है, विंडो को डिवाइड करता है सब पार्ट में. ओके, ये टोटल स्क्रीन हो गया विंडो. ये जो छोटा छोटा पार्ट यहाँ पर डिफाइन किया गया है उसको बोला जाता है पैनल. पैनल इज ए कंटेनर ऑफ द जीवाई कॉम्पोनेंट दैट मस्ट एग्जिस्ट इन सम अदर कंटेक्स्ट. और एडिंग द पैनल वेर यूजिंग फॉर एडिंग द कॉम्पोनेंट वेर यूजिंग एड मेथड. एड मेथड यूज करके वहां पर कॉम्पोनेंट हम एड कर सकते हैं. ओके, लिखो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट द वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट. वन इज बटन, चॉइस, लेबल, लिस्ट, स्क्रोल बार एंड टेक्स्ट कंपोनेंट. ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है. अच्छा, कंपोनेंट तो ऐड कर दोगे लेकिन कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको स्टोर करना पड़ेगा. तो इसलिए हम यूज करेंगे क्या, सेट लोकेशन, सेट साइज एंड सेट बाउंड. तो ये यूज होता है आपका क्या, लाइक एक पर्टिकुलर पोजिशन में आपका एलिमेंट को स्टोर करने के लिए ये सब चीज. ओके, विंडो तो पूरा स्क्रीन हो गया लेकिन विंडो में जो एप्लीकेशन ओपन होता है उसको बोला जाता है फ्रेम. फ्रेम हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. देयर आर सब क्लास ऑफ विंडो. इट हैज ए टाइटल एंड रिसाइजिंग कर्नल. जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हो
टेक्स्ट पैड अगर आप ओपन करते हैं उसका एक रिसाइजिंग करना रहता है, क्लोज मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऐसा ऑप्शन रहता है, समझ में आया? ऊपर ये डॉक्यूमेंट का नाम रहता है, ओके, सो इट हैव अ टाइटल एंड रिसाइजिंग करना आर इनविजिबल इनिशियल, ओके, इट हैव द बॉर्डर लेआउट एज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर। अगर आप कुछ भी लेआउट नहीं दे रहे हो तो आपका बॉर्डर लेआउट होगा। अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो यहाँ पर मैं सेट लेआउट मेथड यहाँ पर यूज करता हूँ, ओके। तो फ्रेम इज द सब क्लास ऑफ विंडो, इट हैज द टाइटल, इसका नाम रहेगा, रिसाइजिंग कर्नर रहेगा और इनिशियली फ्रेम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियली फ्रेम इनविजिबल रहता है, उसको विजिबल करने के लिए हम यूज करेंगे सेट विजिबल ट्रू मेथड, ओके। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप बॉर्डर लेआउट एज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर, इसका मतलब है बॉर्डर लेआउट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो बॉर्डर लेआउट जो है, अगर हम कुछ भी लेआउट नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर बॉर्डर लेआउट होता रहेगा, और सेट लेआउट मेथड अगर आप बॉर्डर लेआउट के अलावा कोई लेआउट आप देना चाहते हो तो सेट लेआउट मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। मैं रन करके दिखाऊंगा इसको। पहले AWT में काम करने के लिए आपको यूज किया जाएगा इम्पोर्ट जावा डॉट AWT.star, ओके। प्राइवेट फ्रेम एफ ऑब्जेक्ट, फ्रेम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रेम का नाम वो कुछ भी नहीं देने से भी चलेगा, फ्रेम का नाम हो गया हेलो आउट देयर, एक यहाँ पर एक फंक्शन है पब्लिक वर्ड लॉन्च फ्रेम फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यहाँ पर मैंने फ्रेम का साइज दे दिया 170 170, फ्रेम का बैकग्राउंड हो गया ब्लू, फ्रेम इनिशियली इनविजिबल रहता है, उसको विजिबल करने के लिए सेट विजिबल टू ट्रू डिफाइन किया गया। उसके बाद मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के मदद से मैंने लॉन्च फ्रेम फंक्शन को जब कॉल किया ये सारा इंफॉर्मेशन मुझे ओके, तो ये कैसे दिखाई, आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको रन करके दिखा। ये है फ्रेम का एग्जाम्पल, ओके, ये हो गया फ्रेम, उसका कलर बैकग्राउंड क्या है, येलो है, ओके। ये खत्म होने के बाद फिर से लिंक में ज्वाइन कर, उसके बाद है पैनल, पैनल प्रोवाइड ए स्पेस फॉर द कंपोनेंट, जैसे ही मैंने बोला यहाँ पर ये जो पैनल है, जो पैनल जो रेड एरिया, ये नीचे का रेड एरिया एक पैनल है, दिस एनेबल द सॉफ्ट पैनल टू हैव देयर ओन लेआउट, आफ्टर क्रिएटिंग ए पैनल इट मस्ट बी एडेड इन ए विंडो और फ्रेम, ओके। देखो पैनल, Thank you.